नमस्कार स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ऐसे कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, इसे क्राइटेरिया क्या है सॉल्व करने के, आज उसी क्राइटेरिया पे आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि 1 + 3 + 3² + ……(n-1) = 3⁻²(n-1)/2 फॉर ईच एन बिलोंग्स टू द एन। स्मॉल एन क्या है आपका? नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्टेप फर्स्ट, कुछ बुक में स्टेप वाइज लिखा गया है, कुछ बुक में विदाउट स्टेप वाइज लिखा गया है, आप कैसे भी सॉल्व करिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं इसका सॉल्यूशन अगर लिखूंगा, सॉल्यूशन लिखूंगा, लेट पी एन बी द स्टेटमेंट। ये क्या है आपका? एक स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट आपको वेरीफाई करना है कि ये सही है या फिर गलत है। लेट पी एन बी द स्टेटमेंट, इसका मतलब हम लिखेंगे पी एन इक्वल्स टू हो जाएगा 1 + 3 + 3² + 3⁻n-1 = 3⁻n-1/2। ये आपका पी एन हो जाएगा। अब क्या चेक करना है आपको? n इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है, n इक्वल टू k के लिए और n इक्वल टू k+1 के लिए। तो पहला हम लोग चेक करते हैं, किसी किसी बुक में ऐसे लिखा गया है, स्टेप फर्स्ट फॉर n इक्वल टू 1, यहां पर क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा p1। अब फर्स्ट टर्म से क्या है आपका? 1। पहला टर्म से क्या हो गया p1, पहला टर्म से क्या है 1 है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड की साइड में सॉल्व करिए, उधर वैल्यू पुट करिए, n इक्वल्स टू 1, देखिए क्या दोनों बराबर आते हैं, इक्वल्स टू 3 - 1/2 इक्वल्स टू 2/2 कट के आया ये 1। आपने देखा यहाँ पर कि 1 = 1, इसका मतलब ये क्या है आपका? विच इज ट्रू, ये सही है, दिस इज ट्रू। लिखेंगे इसको ऐसे, implies that p1 is true। ये तो बहुत इजी हो जाता है, ये तो बहुत इजी हो जाता है। अब स्टेप टू में क्या करना है? मैंने कल आपको समझाया था कि स्टेप जो टू होता है वो जस्ट लाइक ये assumption होता है, ये आपको assume करना पड़ता है, इसको आपको सच लेना पड़ता है। जैसे स्टेप टू में लिखा मैंने let pk be ऑल्सो ट्रू, पी के क्या है आपका? सही है। देन पी के कैसे लिखेंगे? पी के इक्वल्स टू एन की जगह क्या हो जाएगा? के, यहां लिखूंगा 1 + 3 + 3² + 3⁻k-1 = 3⁻k-1/2। इसको मैंने कहा था आप इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको अज्यूम करिएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये अजम्पशन है। अब हमें जो चेक करना पड़ता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? क्या चेक करना पड़ता है? हमें जो चेक करना है कि थर्ड स्टेप क्या n = k+1 के लिए भी ये सही है। जैसे कल मैंने बताया था n = 9 के लिए मैंने चेक किया था, n = 10 के लिए मैंने चेक किया था, फिर मैंने देखा मैंने कि क्या n = 9 और n = 10, n = 9 के हेल्प से n = 10 को मैंने चेक किया था, तो दोनों तरफ इक्वल आया था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड, राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आया था, मैंने कह दिया था कि हाँ n = 10 के लिए भी वो करेक्ट है। सिंपल यही है कि आपने n = k, आप पी के लिखा है आपने, यहाँ पर क्या लिखा आपने? पी के, मतलब n की वैल्यू क्या किया आपने? n = k। आपको ऐसे नहीं है, अब यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा फॉर n = k, n = k के लिए assumption है
ये आप करेक्ट इसको मानना पड़ता है, सबको एज्यूम करना पड़ेगा आपको। जो स्टेप थ्री है वो आपको चेक करना है फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन। कल मैंने आपको बताया था कि n इक्वल टू k प्लस वन चेक करना है अगर आपको, तो पहले ही आप राइट हैंड साइड में लुक करके चेक कर लीजिएगा कितना आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 3 पावर n माइनस 1.2 है, n इक्वल टू अगर मैं k प्लस वन लुक करूंगा ये आएगा आपका 3 to the power k plus 1 minus 1 divided by 2। अगर लेफ्ट हैंड साइड में n इक्वल टू k प्लस वन लुक करने पर अगर लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज हमारा आ जाता है तो मैं कह दूंगा कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये करेक्ट है। अब कैसे आगे देखिए, n इक्वल टू k प्लस 1 लिखना है, ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर। n की जगह यहाँ क्या करना है k प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर हो जाएगा 3 to the power k plus 1 minus 1। अब जब कल मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे से 10 लिखा मैंने, तो 10 के पहले क्या लिखा था, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक लिखा था, 9। तो 10 के पहले आपको कौन सा पड़ता है, 9। ये जो एजम्पशन होता है स्टेप टू में, अब इसी का मुझे यूज करना है, बहुत सिंपल होता है ये। अब स्टेप टू में क्या लिखेंगे, इसके पहले कौन सा टर्म रहा होगा यहाँ पर, सिंपल सी बात यही रहा होगा। देखिए कितना है 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस, सॉल्व करने पर कितना आया, ये 3 to the power k आया। अब पहला एक जो पहला आपका टर्म है दूसरे टर्म से देखिए एक कम है, जो पहला टर्म है ये टर्म कितना है k, इसके पहले वाला टर्म कितना होगा, इससे एक कम होगा, ये इसके पहले वाला टर्म हो जाएगा 3 पावर k माइनस 1, 3 to the power k minus 1। चाहे आप ऐसे याद रखिए या ये समझ लीजिए कि k प्लस 1 लिखिएगा, इसके पहले वाला जो टर्म आएगा सेकंड टर्म लिख दीजिएगा इसको। अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आप स्टेप 2 से आप कैलकुलेट कर चुके हैं, लिखेंगे यूजिंग 1। इसकी वैल्यू पुट करिए यहाँ पर कितना आया है, 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर 3 पावर k माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 3 to the power k minus 1 upon 2, ये हो जाएगा 3 to the power k minus 1 divided by 2 प्लस ये कितना है 3 पावर k। सिंप्लीफाई करिए इसको, 3 to the power k minus 1 plus 2 into 3 to the power k divided by 2, 3 to the power k कॉमन हो गया, 3 to the power k इन दोनों कॉमन हो गया, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, आया 1 plus 2 minus 1 divided by 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 2 प्लस 1 3 हो गया। अब यहाँ 3 पावर k है, 3 पावर k मतलब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, इसका पावर कितना है यहाँ पर कुछ नहीं, इसका एज्यूम करें 1 मल्टीप्लाई करें 3 पावर कितना हो जाएगा k प्लस 1, ये कितना आएगा आपका, ये चीज यहाँ से यहाँ तक ये आएगा आपका 3 to the power k plus 1 minus 1 divided by 2। देखिए यही आया k प्लस 1 को करेंगे अगर राइट साइड में यही आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया तो यही आया। लिखेंगे हम पर इंप्लाइज दैट p k प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, p k प्लस 1 इज आल्सो ट्रू, फिर यहां लिख दीजिए लास्ट में हेंस PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज हेंस PMI फॉर ईच n बिलोंग्स टू n PN इज ट्रू। इसको नहीं भी लिखी गया है, अगर ये चीज आप नहीं भी लिखते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर लिख देंगे तो अच्छी बात है। ये हो गया पहला क्वेश्चन, हो गया पहला क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस के जो लास्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चंस, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ये तो प्रोसीजर है, आपको आना चाहिए, कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू इज 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus n cube equals to n n plus 1 over 2 whole square। सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है, पहला क्या करना है, लेट pn बी ए स्टेटमेंट, देखिए लेट pn बी ए स्टेटमेंट, pn क्या है आपका स्टेटमेंट है, pn इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 cube 2 cube 3 cube plus n cube equals to n n plus 1 upon 2 whole square। फिर मैंने बताया था स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड, जरूरी नहीं है कि आप स्टेप लिखिए, मैं डायरेक्ट लिखी हूँ, आप फिर लिखिए यहाँ पर फॉर n इक्वल्स टू 1 p1 की वैल्यू कितनी है, पहली वैल्यू कितनी है p1 कितनी है यहाँ पर 1 cube, और राइट हैंड साइड सॉल्व करिए 1 1 plus 1 over 2 whole square। इसको सिंप्लीफाई करिए क्या आएगा 1 into 2 upon 2 whole square, कितना है ये 1। देखा आपने यार 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 1 जो कि सही है, which is true। फिर आपको लिखना है ऐसे, imply that p1 is true, p1 क्या है आपका सही है, तो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो गया। फिर आपको लिखना है फॉर n इक्वल्स टू k, कैसे लिखा जाता है, लेट pk बी ऑल्सो ट्रू, pk क्या है आपका सच लेना पड़ता है, assumption है, pk कितना हो जाएगा, pk इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, यहाँ पर वैल्यू पुट करिए इसका 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus n cube sorry k cube equals to k k plus 1 over 2 whole square। मैंने कहा था फॉर एन इक्वल टू के को आप इक्वेशन लेते हैं, ले लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर लिखिए आप फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। अब ये लिखने पर पहले आप चेक कर लीजिए राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, यहाँ चेक कर लीजिए इसको, तो n की जगह क्या हो जाएगा k प्लस 1, इसलिए क्या हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, मतलब ये आना चाहिए आपको सॉल्व करने पर। अगर ये आ जाता है सॉल्व करने पर तो समझ लीजिए आपका आंसर करेक्ट है। n इक्वल टू k प्लस 1, k प्लस 1 पुट करिए, जहां k जहां n है वहां k प्लस 1 पुट करिए, तो आपको क्या पुट करना है n इक्वल टू k प्लस 1, यहां लिखिए p k प्लस 1 इक्वल्स टू, यहां पर करेंगे आएगा 1 cube 2 cube 3 cube plus k plus 1 whole cube। इसके पहले मैंने बताया था कौन सा होगा, सेकंड स्टेप का ले लीजिए डायरेक्ट, ले लीजिए डायरेक्ट ही k प्लस 1 है, यहां क्या होगा, यहां से पहले कौन सा होगा k क्यूब होगा, नेक्स्ट स्टेप लिखिए 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus, यहां पर क्या होगा k क्यूब, तभी तो इसकी वैल्यू आप यहां पर कर पाएंगे प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है यहां पर k k प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस k प्लस 1 होल क्यूब। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, ये कहां से लिखा मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा k स्क्वायर, ये हो गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ नीचे कितना है 4 प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब, k प्लस 1 का होल स्क्वायर आपका कॉमन हो गया, यहाँ पर कितना है k स्क्वायर अपॉन 4 प्लस यहाँ आया k प्लस 1, फिर k प्लस 1 का होल स्क्वायर आपने यहाँ पर कॉमन नहीं रखा है, इसका सिंप्लीफाई करिए k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 अपॉन 4, सिंप्लीफाई करिए इसके आगे इसको k प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हो गया आपका k प्लस 2 का
होल स्क्वायर अपॉन फोर, इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं हम एक साथ, k प्लस वन k प्लस टू अपॉन टू होल स्क्वायर। देखिए वही आया सॉल्व करने पर सेम डिजाइन, अगर वही आ जाता है राइट हैंड साइड के बराबर तो मैं लिखूंगा कि हेंस पी के प्लस वन इज आल्सो ट्रू। इंप्लाइज है पी के प्लस वन इज आल्सो ट्रू। दिस इज क्वेश्चन नंबर टू, एक्सरसाइज 4.1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, एजम्पशन ले लिए। थर्ड क्वेश्चन में सेकंड टू सेकंड को पुट अप करिए, सिंपलीफाई करिए और उसको आंसर निकाल दीजिए, राइट। अब क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री सेम टू सेम यही प्रोसेस ही चलेगा, प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करिएगा। अगर आप कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिए, कैलकुलेशन में आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई फिर तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे, क्योंकि कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। उम्मीद ही करता हूँ क्लास 11th के स्टूडेंट है आप लोग, कैलकुलेशन तो स्टॉप हो गई, मैथ के स्टूडेंट है। क्वेश्चन नंबर थ्री इज गिवन एज वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस एन इक्वल टू टू एन अपॉन एन प्लस वन। सॉल्यूशन में आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे एन एंटर नहीं दिया गया है, एन एंटर आपको नहीं दिया गया है। पहले इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके इसकी